ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। भक्तों, पूर्व दिशा से उदित होकर आने वाले और इस सृष्टि से अंधकार मिटाने वाले सूर्य देव साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान अपने सात घोड़ों के रथ पर युग युगांतर से पूर्व दिशा से उदित होकर आते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। सूर्य देव का व्रत, पूजन और भक्ति करने वाला प्राणी भौतिक जीवन के समस्त सुख भोगकर अंत समय में सूर्य लोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं भगवान सूर्य देव की ये संगीतमय गाथा। बोलिए सूर्य देव नारायण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, हाँ आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। सूर्य देव भगवान की जीवन से अंधकार मिटाते, दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, सूर्य देव भगवान की जीवन से अंधकार मिटाते, दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। भक्तों, किसी गांव में एक सूर्य देव की परम उपासक वृद्धा स्त्री रहा करती थी। रविवार को नित्य प्रति बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव का व्रत उपवास करती थी। रविवार सुबह सुबह उठकर अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लाती, सारा घर आंगन लीपती और फिर स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित कर अक्षत चंदन चढ़ाती। सारा दिवस सूर्य देव के द्वादश नामों का जाप करती। सायंकाल को गुड़ और गेहूं का भोग बनाकर सूर्य देव भगवान को समर्पित करती और फिर वही भोग खुद भी ग्रहण करती। उसका ये सुख उसकी पड़ोसन से बिल्कुल नहीं देखा जाता था। वो सोचती थी कि ये तो उसकी गाय के गोबर का प्रताप है। तो अगले शनिवार उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया जब रविवार को गोबर लेने गई तो क्या हुआ, आइए सुनते हैं। बुढ़िया को गोबर न मिला तो मन ही मन वो पछताई। भारी हृदय से बुढ़िया अपने घर को भक्तों लौटाई। वो घर को ना लीप सकी, ना ही उसने उपवास किया, ना ही अर्घ चढ़ाया उसने, ना ही द्वादश नाम लिया। सूर्य देव ने मन में सोची, हाँ सूर्य देव ने मन में सोची, वृद्धा के कल्याण की, अंधकार को जो है मिटाते, सूर्य देव भगवान की, सूर्य देव भगवान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, सूर्य देव भगवान की जीवन से अंधकार मिटाते, दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। भगवान सूर्य देव ने अगले शनिवार की रात्रि को ही बुढ़िया के आंगन में कपिला गाय बछड़े सहित बंधवा दी। वृद्धा ने रविवार सुबह अपने आंगन में गैया बंधी देखी तो हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उसने गैया का गोबर उठाया और घर आंगन को बड़े प्रेम से लीप दिया। उसे तो ज्ञात ही नहीं था
की कपिला गाय ने तो सोने का गोबर दिया हुआ है। इधर पड़ोसन के कानों में द्वादश नामों की जब ध्वनि पड़ी तो दौड़ी दौड़ी आई, क्या देखती है कि बुढ़िया का घर आंगन तो सोने की तरह चमक रहा है। आंगन में गैया बछड़े दोनों बंधे हुए हैं। सोने का गोबर देख उसका मन ललचा गया भक्तों, और उसने सोचा कि अगले रविवार वृद्धा से भी पहले उठकर वो सोने का गोबर चुरा लेगी और उसे बेचकर ढेर सारा धन कमाएगी। सूर्यदेव को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अगले शनिवार को ही रात्रि में आंधी तूफान ला दिया, जिससे वृद्धा ने कपिला गैया और उसका बछड़ा घर के भीतर बांध दिया। अगले दिन जब पड़ोसन गोबर चुराने गई तो देखा आंगन में तो गाय ही नहीं है। जलन और ईर्ष्या में उसने क्या कदम उठाया, आइए भक्तों सुनाता हूँ। नगर के राजा को जा करके सारी बातें बतलाई। राजा ने बुढ़िया के घर से कपिला गैया उठवाई। राजा बोला बात हुई सच्ची तो इनाम में मैं दूंगा, और यदि निकली झूठी तो फांसी पे लटका दूंगा। लेन परीक्षा सारे चले हैं, हाँ लेन परीक्षा सारे चले हैं, दिन करके वरदान की। अंधकार को जो है मिटाते दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं सूर्य देव भगवान की, जीवन से अंधकार मिटाते दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। बुढ़िया ने तो रो रो कर राजा से प्रार्थना की, पर वो राजा नहीं माना। उसने बुढ़िया के घर से गैया और बछड़ा दोनों उठवा लिए, परंतु साथ ही साथ पड़ोसन को भी सावधान कर दिया, यदि रविवार को गैया ने सोने का गोबर न दिया तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा, और अगर दिया तो ढेर सारा पुरस्कार भी दूंगा। इधर सूर्य देव अपनी परम भक्तनी पर ऐसा अत्याचार होते देख अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी रात राजा को स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिए और ये बताया कि हे राजन, वो गैया और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राजपाट मैं नष्ट कर दूंगा। अगले दिवस राजा उठा और उसने सूर्य देव की सारी बातें मानते हुए ये निर्णय लिया। देव ने स्वप्न में आकर राजा को निर्देश दिए, गैया को तत्काल लौटा दो राजा को आदेश दिए, नहीं तो राजपाट ये सारा उलट पुलट कर डालूंगा। तेरे राज का सुन ले राजा बुरा हाल कर डालूंगा। सुन वाणी राजा घबराया, देखो सुनवाणी राजा घबराया, सूर्य देव भगवान की। अंधकार को जो है मिटाते दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं सूर्य देव भगवान की, जीवन से अंधकार मिटाते दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। अगले दिवस शनिवार था भक्तों, राजा ने उस वृद्धा और उसकी पड़ोसन दोनों को दरबार में बुलाया, अगली सुबह तक प्रतीक्षा करने को कहा। सुबह गैया
बुढ़िया और पड़ोसन को दरबार में बुलाया गया। सूर्य देव की कृपा से कपिला गैया ने तो स्वर्ण का गोबर दिया ही नहीं, राजा ने तत्काल प्रभाव से गैया को सम्मान सहित वृद्धा को लौटा दिया और पड़ोसन को झूठ बोलने के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी। परंतु उस बुढ़िया ने भगवान सूर्य का हवाला देकर राजा से पड़ोसन को क्षमादान दिलवा दिया। राजा ने दोनों को मुक्त किया, ढेर सारे उपहारों सहित दोनों को विदा किया। कपिला गैया अपने बछड़े सहित अपने घर लौट आई। पड़ोसन को तो काटो परंतु खून नहीं, मारे लज्जा के उसका बुरा हाल हो गया था। भक्तों, सूर्य देव की बात रखी और गैया वापस लौट आई। बुढ़िया ने भी हाथ जोड़कर पड़ोसन मुक्त थी करवाई। पड़ोसन की तो लाज के मारे आंखें ना उठ पाती है और बुढ़िया के हृदय भक्तों सूर्य भक्ति जग जाती है। लाज रखी बुढ़िया माता ने, हाँ लाज रखी बुढ़िया माता ने पड़ोसन के सम्मान की। अंधकार को जो है मिटाते दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं सूर्य देव भगवान की, जीवन से अंधकार मिटाते दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। अगले रविवार को पड़ोसन सुबह सुबह उठकर बुढ़िया की कुटिया में आ गई और उसके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। बोलती है, हे माता, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं जिनका अंत करने हेतु मैं भी आज से आपके साथ साथ भगवान सूर्य का व्रत, उपवास, पूजन और अर्चन सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से करना चाहती हूँ। वृद्धा तो पहले ही क्षमादान दे चुकी थी भक्तों। उसने कहा, चलो एक से दो भले। दोनों ने मिलकर आंगन को सोने के गोबर से लीपा। स्नान आदि के उपरांत सूर्य देव को गंगा जल दे जल समर्पित किया। अक्षत चंदन चढ़ाया, सारा दिवस आरती चालीसा और द्वादश नामों को गाया। सायंकाल को गुड़ और गेहूं का भोग बना सूर्य देव को अर्पित किया और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। दोनों जीवन पर्यंत ये करती रही भक्तों और अंत में सूर्य लोक में जाकर मुक्ति प्राप्त की। तो बोलिए सूर्य देव नारायण की। सूरज को भक्तों जल का अर्घ्य चढ़ाता है, द्वादश नामों को गाता जो चंदन तिलक लगाता है। भौतिक जीवन में सुख सारे प्राणी को मिल जाते हैं, उजड़े चमन भी सूर्य देव की कृपा से खिल जाते हैं। इस जीवन में महिमा बड़ी है भक्तों, इस जीवन में महिमा बड़ी है सूर्य देव गुणगान की। अंधकार को जो है मिटाते दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं सूर्य देव भगवान की, जीवन से अंधकार मिटाते दिन करके कल्याण की, दिन करके कल्याण की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं।